क्रैफ्ट पैलेट है ये, और ये वाला क्रैफ्ट पैलेट है, ये वाला नेचुरल पैलेट है। इसके अंदर से मतलब जो भी कोई भी लिक्विड वगैरह अंदर जाएगा तो रेस्पिरेटरी निमोनिया हो जाएगा। और ये वाला है, ये वाला भी क्रैफ्ट पैलेट है, ये वाला इसका वेंट्रल व्यू है। और ये वाला है नोडुलर एंटेराइटिस, ये फीचर है PPR का, गोट का जो ये है वो स्पेसिमेन है। ये वाला है हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर का डायग्राम है ये, और ये वाला है ये FMD, और ये है FMD में वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस है मेनली। और इसमें ये वाला है PPR का, मतलब रिंडरपेस्ट का। रिंडरपेस्ट में क्या है, इसमें लेटरल और वेंट्रल उस पर साइड पे जो टंग है, लेटरल वेंट्रल साइड पे वो लीजन्स मिलेंगे, वेसिकल्स मिलेंगे। ये वाला भी टंग का है, स्पेसिफिक टंग का है, तो ये हम कह सकते हैं ग्लोसाइटिस है। और ये वाला भी FMD का है, और जो ये वाला है, ये वाला नेक्रोसिस है, जो टंग है उसकी पूरी नेक्रोसिस हो रखी है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें नेक्रोसिस हो रखी है। और ये वाला है, ये है एबोमेजम में, ये जो हमें अंदर पोर्स से दिख रहे हैं तो ये हैं अल्सर की, जो हम कह सकते हैं अल्सर की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, ठीक है, और एबोमेजम की वो है। और ये वाला है, ये भी एबोमेजम है, ये हिमोंकस का डायग्राम है। और ये वाला है, ये स्पेशल हॉर्स का डायग्राम है, हॉर्स में जो मॉस्किटोज फ्लाई वगैरह से जो भी इन्फेक्शन होता है उसका डायग्राम है, हाइड्रो ड्रमा कहते हैं शायद इसे, ये अच्छी तरह मेरे को पता नहीं है। और ये वाला है जोनिस डिजीज का, जोनिस डिजीज में ये एपिफ्लोइड सेरम्स के बाद जाइंट सेल बने होंगे, और ये है कोरुगेशन, तो ये जोनिस डिजीज का डायग्राम है, इंटेस्टाइन का स्पेसिमेन है। और ये है जो, ये भी जोनिस डिजीज का स्पेसिमेन है। और ये है हर्निया का डायग्राम, ये हर्निया का स्पेसिमेन है। ये वाला है, ये रेटिकुलम, ये वाक्य हर्निया डायफ्राम में वो हो रहा है, प्रोट्रोड्यूस हो रहा है। ये वाला, ये भी है लार्ज इंटेस्टाइन का है, बटन अल्सर की वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, बटन अल्सर है, स्वाइन फीवर का डायग्राम है, स्वाइन फीवर का है, बटन अल्सर ये है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से बने हैं। ये वाला है इंटरसेप्शन ऑफ इंटेस्टाइनल डक्ट, मतलब इंटेस्टाइनल डक्ट उसी पोजीशन पे एक के ऊपर एक मीन्स हम कह सकते हैं मुड़ जाएगी हम कह सकते हैं। और ये वाला है इंटेस्टाइन का, ये इंटेस्टाइनल अल्सर दिख रहे हैं। और ये वाला है, ये है बॉल्स जो भी रूमन के अंदर है उसकी वजह से ये वो है, और हम इसको कह सकते हैं ट्राइकोबेजोर्स, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका, ये TB का डायग्राम है, TB की लिम्फ नोड है, तो ये अंदर नोड्यूल बने हुए हैं। और ये वाला है, ये है हम इसको देखें तो ये एस्केरिस है, इसके लूमेन के अंदर हमें एस्केरिस मिलेंगे, तो ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर हमें एस्केरिस मिलेंगे, तो ये एस्केरिस इसका है। और ये भी बटन अल्सर का ही है, बटन अल्सर इंटेस्टाइनल पीक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर का, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर में हेमरेजिक सिस्टाइटिस है, ठीक है। ये किडनी का एरिया ये वाला पेल हो रखा है, मतलब ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, नहीं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं, इन्फॉक्शन शो कर रहा है। ये भी किडनी है, कैप्सूल अंदर से फटा हुआ है, इसके अंदर एब्सेस ब्रेविया सपुरेटिव का केस है। ये वाली भी किडनी है, किडनी के अंदर ये वाला ये कोर्टेक्स में कंसेशन दिख रहा है। और ये है, ये भी किडनी है, किडनी के अंदर ये मैंने अंदर हम अंदर देखें अंदर वाली वो उस वाले पोर्शन को देखें तो ये जो सिस्ट है ना ये फटी हुई है, तो इसके सिस्टिक किडनी बोलेंगे। और ये हाइपरट्राइकोसिस और हाइपर ट्रॉफी का डायग्राम है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी है। और ये वाली है किडनी की कोर्टेक्स वाला पोर्शन है, इसको बोलेंगे हम पेरीनेफ्रेटिक एब्सेस, क्योंकि कोर्टेक्स में एब्सेस भरी हुई है। और ये वाली भी किडनी है, इसके अंदर भी ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का डायग्राम है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये देखें, हम देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बैंड हो रखा है, पिच का सा हुआ है, तो ये हाइड्रेटेड नेफ्रोसिस का डायग्राम है, ठीक है। और ये वाला प्रॉपर दिखा हुआ है हाइड्रेटेड नेफ्रोसिस का डायग्राम। और ये वाला है, ये भी हाइड्रेटेड नेफ्रोटिक किडनी है, और ये है एम्बोलाई फॉर्मेशन है किडनी में, ठीक है, एम्बोलाई फॉर्मेशन है। और ये है सपोरेटिव किडनी, अलग ही दिख रही है। और ये वाले वाइट स्पॉट किडनी, ये वाली वाइट स्पॉट किडनी है, ठीक है, वाइट स्पॉट किडनी है। और ये वाली भी हाइड्रेटेड सिस्ट है। और ये दिख रही है पेरीलोबुलर सिरोसिस, ये भी सिरोसिस का डायग्राम है, और ये भी सिरोसिस का डायग्राम है, दो सिरोसिस के डायग्राम है। उसके बाद हम बात करें, ये है बाइल डक्ट की थिकनिंग हो रखी है, ये लीवर का डायग्राम है, हेपेटाइटिस हो रखी है। और ये है नटमेग लीवर, ठीक है, ये नटमेग लीवर है। और ये वाला है, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, सिस्टाइटिस, ठीक है।